नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता है आपको एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी है कि 5 रुपये का शेयर 100 तक जाएगा। ढेर सारी वीडियोज़ बन रही है और इसके पीछे का कारण क्या बता रहे हैं कि FIIs 12% अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है पिछले 3 महीने में। FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। दोस्तों, इसमें क्या कारण हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है आपको ज़रूर जानना चाहिए। कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको ट्रैप तो नहीं कर सकता है, क्योंकि हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं शेयर मार्केट में। रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है क्योंकि ऐसे शेयर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको गहरी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते तो आप हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे शेयर्स के बारे में पूरी डिटेल्स देता रहूँ। और कौन से इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, उसका रेपुटेशन क्या है, उसके पोर्टफोलियो में कैसे शेयर्स हैं, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्लियर दूंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो पॉलीमर, प्लास्टिक और कुछ केमिकल्स बनाने में अपना योगदान देती है। लेकिन कुछ दिन पहले कंपनी का जो है वो फूड एंड प्रोडक्ट्स में भी, यानी कि FMCG प्रोडक्ट्स में भी स्टार्टिंग देखा गया है, जिसके तहत वो काजू नट्स वगैरह बना रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके पास बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ट्रेडिंग में बेस पॉलीमर एंड केमिकल्स जैसे कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग भी है। कमोडिटी कंपाउंड करती है, जैसे कि रिसाइकिल किया हुआ प्लास्टिक को ये अपने फैक्ट्रीज़ में कन्वर्ट करती है पॉलीमर में और उसे फिर वो ट्रेड करती है। उसके बाद इन्वायरो प्रोटेक्शन का काम करती है कंपनी जो है। FMCG एंड हेल्थ केयर में भी अपना योगदान अभी स्टार्ट किया है और कंपनी का कहना है कि आगे FMCG सेक्टर में वो और भी ग्रोथ करने वाला है। ये तो रही बात फ्यूचर की। उसके बाद हम अगर ज्योग्राफिकल सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का जो 99% जो है वो अपने इंडिया से रेवेन्यू आता है और 1% फॉरेन से आता है। इसके बाद इसके रेवेन्यू की हम बात करें कि किससे किससे कितना आता है तो अब ट्रेडिंग पॉलीमर से 56% आ रहा है। उसके बाद काजू नट की ट्रेडिंग से 12% है, जबकि पॉलीमर का मैन्युफैक्चरिंग 32% आ रही है। उसके बाद आगे का हम अगर कुछ की पॉइंट्स पे जो ध्यान देने वाली बात है जो अहम है वो है इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में। आप देख सकते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में भी कंपनी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा है और बिहार में अपना एक प्लांट लगाया है जिसमें 60 KL पर डे इथेनॉल प्रोड्यूस करने की क्षमता है। उसके बाद एग्रो प्रोडक्ट बिजनेस में ये कंपनी आगे बढ़ रही है। उसके बाद इस एक चीज़ और देखें आप यहाँ पे तो कंपनी एक ऑर्डर को विन किया है। न्यू बिजनेस में कंपनी अपना दिमाग लगा रही है, ज़मीन खरीद रही है कंपनी। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी जो है एडविक लेबोरेटरीज लिमिटेड के 22% स्टेक एक्वायर किया है। FMCG में ये कंपनी अपना जो भविष्य देख रही है। तो कंपनी का ये की पॉइंट्स और कंपनी का प्रोडक्शन के बारे में आपका क्रिस्टल एंड क्लियर है। अब हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 691 करोड़ का है। जी हाँ दोस्तों, करंट प्राइस 5 रुपया है। हाई लो की बात करें तो 2.93 रुपये लो गया था, जबकि 8.15 रुपये ये हाई गया था। स्टॉक पर अर्निंग 23% है, ROC 25 है, बुक वैल्यू 182 का है, ROE 21 एंड फेस वैल्यू 1 रुपया का है। तो ये हालांकि इस पे पीनी स्टॉक्स में इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता, एक थोड़ा बहुत मायने रखता है तो मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है, लेकिन मार्केट कैप पीनी स्टॉक के लिए ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सेल्स का, क्योंकि ये पीनी शेयर्स में सेल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स से प्रॉफिट कितनी हो रही है कंपनी को, सेल्स का ग्रोथ क्या है, यही कंपनी पे डिसाइड करती है उसके शेयर प्राइस में ग्रोथ का। तो आप हम कंपनी का वॉल्यूम देख सकते हैं ठीक ठाक है, बाय एंड सेल के लिए अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है। प्रोस एंड कॉन्स तो यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बराबर है इसमें। हालांकि आपको नेगेटिव थोड़ा वजनदार लगेगा क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है दिन प्रतिदिन घट के अब 13.3% हो गया है। और कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए कि किसी कंपनी का अगर भविष्य इतना अच्छा है, उसका शेयर प्राइस 5 से 100 तक अगर जा सकता है,
तो प्रमोटर्स अपना होल्डिंग क्यों बेच रहा है? उसे तो कंपनी में बना रहना चाहिए ना। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, आपको नोट करना चाहिए। बाकी इसका प्रोस कोई खास नहीं है। आप देख सकते हैं अपने कर्ज को कम किया है, ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है। तो इसका जो है हम क्वार्टरली सेल्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ईयरली। ईयरली आप देख सकते हैं अभी 295 करोड़ का है, लेकिन आप अगर प्रॉफिट की बात देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो अभी भी कंपनी 2 करोड़ लॉस में है। इसका अदर इनकम आप देख सकते हैं 44 करोड़ है। अदर इनकम का मतलब है कि इसका जो कोर बिजनेस है, जो इसका प्रोडक्ट है, उससे इनकम इसको नहीं हुआ है। अपने साइड से इनकम किया है, अपनी कंपनी का कुछ एसेट को बेचा होगा, या फिर कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ से मुनाफा कमाया होगा, कुछ ऐसा अपना लैंड या कुछ अपना ऐसा प्रोडक्ट एसेट को रेंट पे दिया होगा। ये सब साइड इनकम में आता है। तो ये अदर इनकम को, इसको हम लोग अदर इनकम कहते हैं, कंपनी अदर इनकम में दिखाती है। तो अदर इनकम को रखते हुए जो कि 44 करोड़ था, 30 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है अभी, 30 करोड़। तो अब देख सकते हैं प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है कंपनी का। अब हम बात करते हैं कंपनी का लाइबिलिटीज़ भी कोई नहीं, ज़्यादा नहीं, 301 करोड़ का है। अब यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो 5 करोड़ है। अब हम अपने दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, प्रमोटर्स जो है सितंबर 2019 से धीरे धीरे घटाया है, और घटाते घटाते अभी 13% पे आ गया है। FII जो था 4.4 था, अभी उसके बाद थोड़ा बहुत बढ़ाया घटाया, बेचा, जैसे मौका मिला बेच दिया, उसके बाद खरीद लिया, मौका मिला बेच दिया खरीद लिया। अब पिछले मतलब 3 महीने में आप यहाँ देख सकते हैं, मार्च में 0.03% था, जो अचानक से बढ़ गया, यानी कि अचानक से ऊपर भाग गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में FIIs का। तो अब हम जानते हैं कि कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है फोर्ब्स EMF 4.39% का, जबकि नोमोरा सिंगापुर लिमिटेड ODI 3.57%, जबकि AG डायनामिक फंड्स लिमिटेड का 2.19%, वहीं पे BNP परिवास अर्बिट्रेज ODI का 2.04% का शेयर होल्डिंग विकास लाइफ केयर लिमिटेड में अभी अभी बना हुआ है। इनमें से ऊपर का जो तीनों कंपनी है, फोर्स EMF हो, नोमोरा सिंगापुर हो, या फिर AG डायनामिक फंड्स लिमिटेड हो, इन तीनों के पोर्टफोलियो में आपको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ व सिर्फ ऐसे पिन्नी स्टॉक्स हैं जो इलिक्विड हैं। पता नहीं क्यों, मतलब ये अपने पोर्टफोलियो में ऐसे पिन्नी स्टॉक्स को रखे हुए हैं, लेकिन मुझे तो बिलीव नहीं हुआ, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जो BNP परिवास अर्बिट्रेज ODI है, इनके पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं, तो थोड़ा L&T फाइन होल्डिंग्स है, लेमन ट्री होटल, तो मतलब कुछ अच्छा अच्छा विकास लाइफ केयर जैसे मतलब है, कुछ अच्छा मतलब इनके पोर्टफोलियो में शेयर है। बाकी आप लोगों के पास प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग धीरे धीरे घट रहा है, और वो क्यों घट रहा है। बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने फंड का, मेरा जो ओपिनियन है, अपने फंड का 1 से 1.5% ही इसमें इन्वेस्ट करें, और वो भी ज़्यादा लंबा टारगेट ही रखें, 100 का नहीं रखें। गुड बाय, मिलते हैं।